और बड़ी खबर इस वक्त माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होंगे यूपी में, ये इस वक्त की बड़ी खबर। माता प्रसाद पांडे बने नेता प्रतिपक्ष। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए, अलाउद्दीन अब से कुछ मिनट पहले आपने सबसे पहले माता प्रसाद पांडे के नाम का इंडिकेशन दिया था और यहाँ पर अब औपचारिक तौर पर मोहर लग गई है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ऑफिशियल लेटर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस में भेज दिया है। इसमें माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है जबकि महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। कमाल अख्तर जो कि सीनियर विधानसभा के सदस्य हैं उनको मुख्य सचेतक बनाया गया है। आपको याद होगा जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पुराने थे डॉक्टर मनोज जो है पांडे जो कि रायबरेली थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पर कमाल अख्तर को जगह दी गई है। जबकि राकेश कुमार आर के वर्मा जो कि प्रतापगढ़ से विधायक हैं उनको उप सचेतक पार्टी ने बनाया, यानी एक ब्राह्मण चेहरा, दो मुस्लिम चेहरा और एक ओबीसी चेहरा यानी पटेल चेहरे को समाजवादी पार्टी ने जगह दी है। तो कुल मिलाकर माता प्रसाद पांडे जो कि बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इसका बात इस बात का जिक्र भी हो रहा था, मिनिस्टर भी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं, जब से पार्टी फॉर्म हुई है तब से हो रहे हैं, इटवा विधानसभा से आते हैं, प्रसाद नगर में जिले पड़ता है। तो ऐसे में जो तमाम इनकी सरोज से लेकर के कई नामों पर चर्चा चल रही थी उस पर विराम लग गया है। अब फाइनली माता प्रसाद पांडे यानी एक ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।